झांसी का नेचुरा थाना हमेशा से सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे वहां अवैध खनन को लेकर हो या फिर शिकायत में गोलमाल को लेकर हो। कुछ ऐसा ही मामला आज फिर मिला है, जब एक पीड़ित परिवार मऊरानीपुर तहसील समाधान दिवस में पहुंचा, जहां उसने पुलिस के ऊपर प्रार्थना पत्र बदलकर आरोपी का नाम गायब करने के साथ ही कार्यवाही न करने का आरोप लगाया और उच्च अधिकारियों से कार्यवाही किए जाने की मांग की। ताजा मामला नेचुरा थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़वा निवासी राजेश पत्नी पुरुषोत्तम बेड़िया ने बताया कि विगत दिवस जब वह अपने घर में सो रही थी, तभी कुछ लोग एक राय होकर उसके घर में घुस आए और बेवजह उसके और उसकी बेटी और परिजनों के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत नेचुरा पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र बदलकर आरोपियों से एक का नाम उसमें से कटवा दिया गया और आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्हें बराबर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ के रहने वाले? क्या मामला है? मारपीट का। कब की घटना है? 17 तारीख। क्या घटना हुई थी? मारपीट, हम अपने घर में सो रहे थे, हमारी बच्ची बाहर थी दूसरी पड़ोस के घर में, और जो 4-5 लोग आए, महाराज और राज, प्रिंसु, प्रियंका, दीपू, इन लोगों ने हमारी बच्ची को मार पीटी। जब किस बात को लेके विवाद हुआ? हमको नहीं मालूम किस बात में, वो तो लड़ने के लिए फिरती है, आओ यहाँ मारो, बस हम लोग कुछ कहते नहीं है, गाली गलौज देती हैं और हम लोग कुछ कहेंगे तो जबरदस्ती मारती हैं। घर में घुस के मारपीट की? हाँ, घर में घुस के मारपीट की। पुलिस से शिकायत की थी? पुलिस से शिकायत थी, दो बार करके कुछ नहीं कहती, हो जाएगा तुम्हारा। क्या FIR दर्ज नहीं हुई है? अभी हुई, 2 दिन में दी थी। FIR से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, अभी नहीं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों संतुष्ट नहीं हो? हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? हाँ।